ये कहता है कि देखो वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, ठीक है। सेमीकंडक्टर बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, पर कोचिंगों और स्कूलों में इसको छोटा बना देते हैं, निपटा देते हैं बेचारे को, और वो बात मुझे समझ में नहीं आता क्यों। तो यहाँ से कहता है वोल्टेज गेन दिया हुआ है। वोल्टेज गेन क्या होता है यार, ठीक है, वोल्टेज जो गेन है, वोल्टेज गेन कैसे लिखते हैं भैया, आउटपुट वोल्टेज और डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज, है ना। सर्किट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि सर्किट आपको याद होगा, कॉमन इमीटर कन्फिग्यूरेशन है, ऐसे होता है, यहाँ से एक डंडा होता है, इधर इमीटर होता है और इधर ये कलेक्टर आता है और इधर बेस आता है, आईबी होती है, इधर आईसी होती है और इधर आईई होती है, क्लियर है ना। इधर लोड रेजिस्टेंस होता है और इधर प्लस माइनस, चलो बना ही दिए अब, और ये फॉरवर्ड बायस में होता है, प्लस माइनस ये वाली चीज़। तो यहाँ से ये जो है बेस और इमीटर, ये फॉरवर्ड बायस में होता है बैटरी से, और यहाँ से NPN है ना, हमने एरो ऐसे दे दिया तो NPN बन गया, तो ये निगेटिव है, पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो रिवर्स बायस। तो आउटपुट जो आउटपुट वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो वोल्टेज गेन मिल जाता। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है आउटपुट वोल्टेज कितना है, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से ले लो, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू वोल्टेज इनपुट मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन मतलब होता है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज कितना टाइम्स बढ़ गया है। तो यहाँ से जो इनपुट वोल्टेज है वो आपकी वैल्यू यहाँ से दी हुई है, देखो इनपुट वोल्टेज कितना है, ये वाली चीज इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है, और वोल्टेज गेन 150 है, तो 150 और मल्टीप्लाई कर दूँ इनपुट वोल्टेज। बट बी केयरफुल, इनपुट वोल्टेज से ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यार, समझ रहे ना भाई, इनपुट वोल्टेज से यही उठा के यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कॉमन इमीटर कन्फिग्यूरेशन में जो फेज है वो चेंज हो जाता है, तो एक बार इधर देख लो, ठीक है। एक होता है कॉमन बेस और एक होता है कॉमन इमीटर और एक इसी का भाई होता है कॉमन कलेक्टर, ठीक है। तो अगर इन तीनों में अगर देखोगे यहाँ से, तो इन तीनों में एक बार ऐसे, हाँ एक बार ये इनपुट सिग्नल है ऐसे, तो यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल है वो ऐसे ही मिलती है, मतलब फेज जो चेंज है वो ज़ीरो है, इधर फेज चेंज नहीं होता है। किस में? कॉमन बेस एम ट्रांजिस्टर में जो होता है, जिसमें कॉमन बेस होता है उसमें जो जैसा इनपुट सिग्नल है वैसा आउटपुट सिग्नल भी मिलेगा, फेज चेंज नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। अब क्यों नहीं होता है, कैसे होता है, वो एक लंबी कहानी है और वो थ्योरेटिकल में मैं डिस्कस किया हूँ, अगर मेरा थ्योरी वाला कहीं लेक्चर तुम्हें देखने को मिले तो वो सारी चीज़ें बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हूँ। तो ये इनपुट सिग्नल है कॉमन इमीटर में, तो इसका जो आउटपुट होता है ये ऐसे हो जाता है, उल्टा हो जाता है यार, ठीक है। तो इसमें फेज जो है डेल्टा फाई, फेज पाई 180 डिग्री फेज चेंज हो जाता है, ठीक है, या पाई फेज चेंज हो जाता है, और इसमें फेज चेंज जीरो। और इस वाले में क्या होता है, इसका क्या हाल है, तो इसका जो हाल है वो कॉमन बेस की तरह होता है और इसमें भी फेज चेंज ज़ीरो होता है। और क्यों होता है, कैसे होता है, वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो अगर ये जो फेज, अगर यहाँ कोई इक्वेशन है, मैथमेटिकली कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो इधर जो आएगा वो आ जाएगा ए डैश साइन ओमेगा टी, मतलब फेज चेंज नहीं होगा यार। और इधर ये इक्वेशन, इधर यही इक्वेशन जो इधर इसके आउटपुट में मिलेगा, वाई डैश इज इक्वल टू ए डैश साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है ना, प्लस पाई, मतलब इसमें से और इसमें घटाओगे, इसका फेज इसमें और इसमें घटाओगे तो फेज का पाई का डिफरेंस आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई इस वाले में आ जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ लेके आओ, तो यहाँ जो आउटपुट हमने वोल्टेज गेन से मल्टीप्लाई कर दिया प्यारे बच्चों, अब यहाँ से जो इनपुट वोल्टेज है इसमें मैं पाई ऐड कर दूंगा, मतलब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाए और ये टू कॉस लिख दिया ना, टू कॉस, और ये आ जाएगा 15 टी प्लस पाई बाई थ्री
और प्लस एक पाई फेज चेंज के लिए इधर मैं मेरा आ रहा है प्लस पाई, यहाँ मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ किसी को दिख नहीं रहा हो, तो फेज चेंज पाई ये मैं ऐड कर, दिस इज द फाइनल आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज ये 150 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा 300 cos, और अंदर के सॉल्व कर लिए आ जाएगा 15t और प्लस, और ये 3 का मतलब 4 पाई आ जाएगा, डिवाइड कर दूँ 3 से तो 4 पाई डिवाइड पर 3, दिस इज द बेसिकली हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा समझ के ये कहानी। ये सर्किट मैं जल्दी जल्दी बना दिया हूँ क्योंकि ये बहुत बार बना चुका हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ इससे यार। ठीक है, तो ये यहाँ से 300 cos 15t plus 4 pi, दैट इज़ ये बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है ना, चलो।